गुड मॉर्निंग एवरीवन। और टाइम हो गया है, 11:30 बज रहा है और हस्बैंड को जाना नहीं था ऑफिस, तो मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाया क्योंकि बच्चे भी लेट उठे हैं और उठते ही वो लोग चले गए क्लास लेने के लिए, दूध पी लिया उन लोगों ने। तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ रोटी बना दी है और अभी बनाई है मैंने। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को क्लास के लिए बैठ गई थी लेकर उन लोगों को, और उसके बाद बच्चे चले गए हैं। तो अभी जो है कि बच्चों को और सबको खाना है पोहा, तो बनाते हैं पोहा। पहले मैं कड़ी पत्ता लेकर आ जाती हूँ ऊपर से। और आज ना मैंने हस्बैंड का ना स्वेटर पहन लिया है। खाद लानी है, खाद। गाइस मैंने करी पत्ता ले लिया है, करी पत्ता सूख रहा है पता नहीं क्यों। अभी देखती हूँ, आज देखूंगी हस्बैंड जाएंगे अगर ना तो साथ में जाऊंगी, खाद लेकर आऊंगी। तो चलिए फटाफट काटते हैं और बनाते हैं फटाफट पोहा। देखिए गाइस, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और बनाने लगी थी पोहा। वही मतलब प्याज और ये मिर्च वगैरह काट रही हूँ, और उसके बाद मैं मटर और ये जो है मूंगफली है ना, और आलू भी डालती हूँ। तीनों मिक्स करके मतलब मैं जो है कि एक अच्छा सा पोहा बना लूँगी। और मॉर्निंग में खाओ या इवनिंग में, किसी भी टाइम पोहा मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है, और बहुत ही आसानी से मतलब पच जाता है। आप मॉर्निंग में खाओ या हैवी, अगर आपको लाइट भूख भी है ना तो भी आप कुछ नहीं, पोहा अगर आप खाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो ये देखिए, सोना को खाना था कि मम्मी मूंगफली को ना ऐसे फ्राई करके निकाल के बनाना, क्रंचीपन आ जाता है ना, तो उसको इस तरीके से खाना था, तो फिर मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और कई तरह से मैं बनाती रहती हूँ, जैसे आपको पता ही है पोहा तो आप कुछ भी डाल के बना सकते हो, जैसे पनीर का पोहा बना सकते हो, वेजिटेबल्स जितना चाहे आप डाल के बना सकते हो पोहा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी जो है कि होता है। तो वही मैं जो है कि अभी लोग खाना नहीं खाएंगे क्योंकि छुट्टी रहती है तो खाना नहीं खाना होता, खाना दोपहर में ही खाते हैं 1-2 बजे के करीब। तो फिर मैं ये पोहा जो है कि बना रही हूँ। ऐसे देखिए आलू निकल की वजह से पड़ रहा है, इसको बिना आलू के पोहा मतलब उतरता नहीं है गले से, तो फिर इसी वजह से आलू, एक आलू डाल रही हूँ मैं। और ये देखिए गाइस, सब कुछ मैंने काट पीट लिया था, उसके बाद जो है फटाफट जो है कि मैं छौंक दूंगी। सब्जियां जैसे हो जाएंगी राई वगैरह से तड़का दे के, प्याज मिर्च से, फिर उसके बाद सब्जियां हो जाएंगी। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, कलरफुल सब्जियां देख के और भी मन करता है, और पोहा इतना देखने में अच्छा लगता है ना, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ये देख के भी मतलब इतना अच्छा लगता है। गर्मा गर्म आप खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है और पूरा पेट मतलब एकदम भर जाता है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है। तो ये देखिए सब्जियां सारी मेरी हो गई थी, अब इसमें मैं जो है कि ये पोहा भिगो के पहले ही रख दिया था, और उसके बाद जो है कि पोहे को ये मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उसको बाद जो है कि आपका पूरा रेडी हो जाता है। और इसमें टाइम भी नहीं लगता है, सबसे अच्छा ये रहता है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। पोहा रेडी हो गया है, और मैं डाल देती हूँ इसमें धनिया और ये मूंगफली, और फिर निकाल लेते हैं और लेकर चलते हैं फिर ऊपर बच्चों के लिए। ये देखिए गाइस, हमारा हो गया था, तो मैं सबके लिए निकाल दे रही हूँ गर्मा गर्म, ताकि बच्चे आराम से खा लें ऊपर बैठे हुए हैं, और हस्बैंड ऊपर नहा आ रहे थे तो वो बाद में ले लेंगे, गरम करके मैं दे दूंगी उनको। गाइस रेडी हो गया हमारा पोहा, और मैं जा रही हूँ देकर आती हूँ, एक साथ में नहीं जाएगा ना, तो ये पहले दे आती हूँ फिर लेकर आती हूँ। गाइस मैं अपना पोहा लेकर आ गई ऊपर, एकदम ऊपर वाले छत पर, और ये देखिए कपड़े, ये जो कपड़े सारे हैं ना ये 2 दिन पहले के हैं, तो आज फिर धूप दिखाया जा रहा है क्योंकि हल्की हल्की धूप आई है ना, तो धूप में डाल देंगे। और कपड़े धुल गए हैं, नीचे ही हैं, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में सुखा दूंगी, पहले पोहा खा लेती हूँ। और ये रूमा ना सुखा दी थी, जो रजाई के कवर वगैरह थे ना, तो ये डाल दिया है इसने यहाँ पे सारा। चलिए बैठ के खा लेते हैं पोहा पहले, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। फिर खा लो रूमा, खा
और ये देखिए बच्चे ना बरसात में जैसे वो मेंढक नहीं निकलने लगते हैं बरसात में, वैसे ही जैसे ही धूप हल्का हल्का निकलेगी ना सारे पतन इतने बच्चे दिखने लगते हैं ना गली में भी और यहाँ पर भी। ये देखिए पूरा निकल के एकदम से अपना लगे हैं खेलने में। चलिए अभी धूप छाए हो रहा है, एकदम अच्छी वाली धूप भी नहीं है गाइस की, अच्छी वाली धूप हो एकदम धूप छाए हो रहा है ऐसा। बट थोड़ा सा कपड़े ना गीले गीले से लग रहे थे तो आज और डाल गए, इसको हटा देंगे और आज वाले जो हैं वो सूखते रहेंगे दो दिन तीन दिन जो भी लगेगा। तो चलिए खा लेते हैं पहले पोहा। ये देखिए गाइस उसके बाद ना यहाँ इतनी अच्छा लगता है ना, मतलब वो एकदम ऊपर वाले छत पे, लेकिन हमारी सीढ़ी ना टूट गई है, डर तो लगता है लेकिन जैसे तैसे हम लोग चढ़ के थोड़ा बैठ जाते हैं, जैसे धूप उप होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में। तो देखिए मैं अपने लिए और रूमा के लिए लाई थी, देख रहे हैं कह रहे हैं कि दो ही प्लेट तो खाए, पापा के लिए रखे हो ना, थोड़ा सा पापा के लिए रख दिया था, अभी नहा रहे हैं वो। और उसके बाद गाइस ये देखिए हम लोग हेलीकॉप्टर देख रहे थे, इतना ज़्यादा हेलीकॉप्टर, करीबन 6 से 7 हेलीकॉप्टर, मतलब एकदम राउंड लगा रहे थे और इतना हस्बैंड भी थे, सभी लोग इतना ज़्यादा पूरा, सभी बच्चे बड़े सब लोग देख रहे थे। इतना खुशी नहीं होती जैसे देख के बचपन में हम लोग कितना खुश हो जाते हैं हेलीकॉप्टर देख के ना, वैसे ही मुझे लगता है ये 26 जनवरी 15 अगस्त पर ये लाल किला पर परेड वगैरह होती है ना, तो इसी के लिए ये सब तैयारियाँ वगैरह होती है ना, तो ये चक्कर वगैरह लगाते हैं कुछ, और मुझे ज़्यादा पता नहीं कि क्यों, लेकिन हर साल जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे ऐसे ही ये लोग ना ऐसे ही चक्कर लगाते हैं। और इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, सभी लोग अपने अपने कैमरे से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे देख रहे थे, और ऐसे ही लग रहा था ना बिल्कुल एकदम हमारे ना नीचे ही, बिल्कुल लग रहा था छत पे एकदम नीचे ही हमारे जो है कि बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, बड़ी अच्छा लग रहा था, सभी लोग बड़े खुश हो रहे थे देख देख के। और उसके बाद गाइस देखिए मैं आ गई थी नीचे, और जैसे ही ना मैं कवर निकालती हूँ थोड़ा मोड़ा, जैसे सीवन वगैरह खुली रहती है कुछ रहता है ना, तो मैं तुरंत हाथों हाथ वो तुरंत सिल के मैं फिर चढ़ा देती हूँ, ताकि अच्छे से ये लंबे समय तक सेफ रहे और अच्छे से चल जाता है इस तरीके से। अगर आप छोड़ देते हो ना तो फिर ये फटने लगता है तो ख़राबी हो जाता है। कवर मेरा सिल गया है, थोड़ा थोड़ा जो ना सीवन निकल गई थी इसकी, खुल गई थी तो मैंने लगे हाथ सीवन मतलब लगा दिया, सिल दिया, और ये जो है ना बटन भी इसमें लगा दिया ताकि ना अभी खुलेंगी नहीं, ऐसे बटन नहीं रहती है ना तो खुल जाती है, मतलब रजाई में डालो ना तो इधर उधर हो जाती है, तो मैंने बटन भी लगा दिया और सिल दिया। तो चलिए चढ़ा देते हैं इस वाली रजाइयों पे और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। और ये देखिए गाइस उसके बाद मैं ये जो है रजाइयों में कवर चढ़ा दूंगी, और ये देखिए कितने पुराने कवर हो जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से धुल के उसे सील दो, मतलब थोड़ा सा भी अगर वो हो जाता है कुछ भी, मतलब थोड़ा सा सीवन वगैरह, तो कितनी अच्छी लगती है, बिल्कुल एकदम लगता है ना कि एकदम नया हो जाती है हमारी रजाइयाँ भी, और मतलब रूम भी इतना अच्छा देखने में लगता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम क्लीन सा हो जाता है। तो यही है देखिए, थोड़ा सा मैं नील लगा के ऐसे धुल देती हूँ ना तो इतना ज़्यादा चमक जाती है एकदम से ये कवर जो होते हैं, और रजाइयाँ भी बिल्कुल सेफ़ रहती हैं और सालों साल तक खराब नहीं होती हैं। और इसे देखिए मैं दोनों रजाइयों पे चढ़ा दूंगी, और उसके बाद जो है कि नीचे भी लेकर जाऊंगी एक कवर जो है तो नीचे चढ़ा दूंगी। और ये देखिए पहले मुझे इतना जैसे डिफिकल्ट लगता था ना, चढ़ा नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती थी, लेकिन अब बहुत आसानी से मैं इसको ना अब मतलब चढ़ा देती हूँ, नहीं तो पहले तो नहीं कर पाती थी, और होता है सीख जाते ही हैं थोड़ा, मतलब होता है ना मतलब आप धीरे धीरे देखते कैसे करना है कैसे नहीं, तो फिर आ ही जाता है। और ये देखिए मैं लगे हाथ, फिर ये देखिए बटन भी लगा दी थी, और इसमें बटन लगा दो ना तो एकदम सेफ और सुरक्षित पड़ी रहती है, बिल्कुल खुलती उलती नहीं है इधर उधर से। और बच्चों का रूम ऐसे ही रहता है गाइस, क्योंकि वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, धूप आती नहीं है, तो ये जो है साफ़ सुथरा करके फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं इसी पे। उसके बाद देखिए गाइस आ गई थी नीचे, और नीचे का भी जो है ना बेडशीट भी धुल गई थी, और फिर नीचे का रजाई का कवर भी मैं चढ़ा देती हूँ, और बेडशीट भी जो है कि बिछा देती हूँ, और बेडशीट भी धुलना ही पड़ता है, मतलब ऐसे तो चल जाती हैं विंटर में, बिल्कुल ख़राब गंदी नहीं होती, लेकिन अपना थोड़ा मन होता है मेरा ना कि नहीं धुल दो, 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं तो ऐसे ही कुछ दिन हो जाते तो फिर मैं जो है कि निकाल के धुल देती हूँ मशीन में। तो ये देखिए मैंने धुल दिया था, और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया हमारा, एकदम से रेडी हो गया सब कुछ एकदम। गया है दोपहर का, और रूमा और सोनाली ऊपर चले गए हैं, और मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए, और निखिल और इनके पापा चले गए हैं, ये लोग कहीं गए हैं किसी काम से गए हैं, ये लोग कुछ लेना था इन लोगों को तो इसी के लिए चले गए हैं वो लोग मार्केट, और मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए, बर्तन धो लूँगी फिर उसके बाद आराम से बैठूँगी। और देखिए
कितना छोटा सा दिन होता है ना सर्दियों में, उठते ही काम अगर एक दो एक्स्ट्रा करो ना तो ऐसे ही टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो जाती है। और अभी देखिए टाइम हो गया 3:30 बज गया है, तो चलिए मैं जल्दी से ना बर्तन भी फटाफट निपटा लेती हूँ धुल के, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर बनाएंगे चाय वाय हम लोग। ये देखिए गाइस, उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में, और जब भी मैं किचन में बर्तन धुलती हूँ ना तो एक बार मैं किचन की जो ये स्लैब होता है ना ज़रूर से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा बच्चे हैं ना जैसे खाना वाना लेते हैं गर्म करते हैं बार बार, तो वो थोड़ा गिर उड़ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं लगे हाथ जैसे ही मैं बर्तन धुलने के लिए आती हूँ तो 2-3 बार जब भी सुबह में दोपहर में शाम में जब भी मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ तो तुरंत का हाथों हाथ जो है कि स्लैब भी धुल देती हूँ मैं। तो ऐसे किचन आपका ना एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन पड़ा रहता है, और वैसे नहीं तो गंदा रहता ना किचन में आने का मन नहीं करता ऐसा होता है। तो देखिए बर्तन भी धुल लिया था मैंने, और उसके बाद अब जो है कि मैं फ्री हो गई थी बिल्कुल। हाथ एकदम ऐसे लगता है ना कि सुन्न हो जाता है जब तक बर्तन धुलो, इतना ज्यादा पानी छील है ना बिल्कुल भी। चलिए बर्तन धुल गए हैं मेरे, अब मैं जा रही हूँ आराम से, थोड़ी देर हाथ सेक लूंगी थोड़ा वो ऑन करके ब्लोअर, और उसके बाद बैठती हूँ थोड़ा देर टीवी देखूंगी, अब बिल्कुल हिलूंगी नहीं अब एकदम से, क्योंकि सारा काम हो गया, पूरा किचन क्लीन हो गया है, सारा बिस्तरा वगैरह सब कुछ हो गया है। और उसके बाद गाइस ये देखिए मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और इसमें इतना ठंडा रहता है पता नहीं क्यों, इतना ज़्यादा चिल्ड रहता है यहाँ पे ना, पता नहीं ऊपर बाथरूम में पानी वानी गिरता रहता है इसलिए कि क्यों बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये देखिए मैं पूरा कम्बल वम्बल लगा के पूरा ओढ़ ओढ़ के एकदम आराम से बैठ गई थी, और ये होता और भूल गई थी मैं मोबाइल लगा ही दी थी, तो फिर मुझे मैं कही कि अब मोबाइल, फिर उसके बाद जो है कि मैं फिर रिकॉर्डिंग जो है कि बंद करने के लिए फिर उठ के जाती हूँ। और बस गाइस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने पूरी फैमिली का ध्यान रखिए।